साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय IAS क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो 2018 UPPCS का जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है उसको लेकर है। इसमें हम जो रीजनिंग और मैथ्स के सवाल हैं उनको हल करेंगे और इनकी अप्रोच को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो लिखा हुआ है आपका, पहला लिखा हुआ है कि पैन का लिखा हुआ है 31, तो ठीक है, और PAR पर लिखा हुआ है 35, तो बताइए पैट का मतलब क्या हुआ। पैन कितना होता है, पैन का होता है 16, 1 और 14, सम करेंगे 31 आएगा। पैर का 16, 1 और R कितना होता है 18, 35 आएगा। पैट का कितना होगा 16, 1 और T कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, विच नंबर शुड बी इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। मुझे बताइए, ये क्वेश्चन मार्क रूट एक्स एक्स मान लेते हैं और 19 = 4 लिख लेते हैं, तो रूट एक्स इक्वल टू 19 * 4 है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x² = कितना 76 का स्क्वायर आ जाएगा, और वो आप निकाल लेंगे आराम से निकाल लेंगे। 43 में ये कह रहा है कि नंबर चेंज कर दिया, तो 4, 8, 2, 2, 4 लिख लीजिए। अब बोला है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो चुका है, यहाँ पे प्लस हो चुका है। ओके, माइनस का मतलब क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। इनटू का मतलब क्या हो चुका है, देखिए इनटू मींस माइनस, और प्लस का मींस क्या हो चुका है इनटू। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। पढ़िए क्या बोला है कि कमला इज नॉट रवीस वाइफ। ओके, प्रेमलता इज रवीस मदर, ये रवि है और प्रेमलता जो है उसकी माँ है। ठीक है, सीता इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमलता, तो सीता कौन हुई, सीता हुई पत्नी किसी, रवि की, और कमला और रवि में कोई संबंध नहीं है। ओके, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है, तो कमला इज सिस्टर ऑफ सीता, हमको पता नहीं। प्रेमलता इज मदर ऑफ कमला, पता नहीं। सीता इज रवि भाई, बिल्कुल सही, यही आंसर है आपका। लिखा हुआ है 45 में, नो हीरो इज कावर्ड, ये हीरो हैं और ये कावर्ड है, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, सम सोल्जर्स आर कावर्ड, कुछ सोल्जर्स कावर्ड है, तो बताइए क्या होगा। नो सोल्जर्स कावर्ड, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ है तो सब तो हो सकता है ना, कुछ है कावर्ड तो मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ है तो कोई तो कैसे नहीं सकता, गलत है। ऑल सोल्जर्स आर हीरोज, नहीं। सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, सम सोल्जर्स आर हीरोज होता है, कुछ सोल्जर्स हीरो हों और कुछ सोल्जर ना हो, तो इसका रॉन्ग का रॉन्ग ही रहता है, मतलब नेगेटिव सवाल का नेगेटिव ही उत्तर रहता है ज़्यादातर। अब ये है आकृति वाला सवाल कि निम्नलिखित आकृति में कौन सा भिन्न है। हमको पता है कि इसमें क्या दे रखा है, जो बड़ा है वही छोटा वाला अंदर दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 49 पढ़ लीजिए। 49 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम कनेक्शन एज इन बिटवीन GJ एंड Q, तो G और J, G का मतलब क्या है 7 और J का मतलब क्या है 10, Q का मतलब और U, Q मतलब क्या होता है 17 और U मतलब कितना 21, तो इसके बीच में कितने वर्ड्स हैं 2 और इसके बीच में कितने वर्ड्स हैं 3, तो ऐसा कौन सा है AD एंड SW। 50 नंबर देख लीजिए। 50 नंबर कह रहा है कि 5, 16, 51 और 158। ठीक है, तो 5 × 3 + 1 कर दिया, फिर क्या करा 16 × 3 + 3 कर दिया, फिर 51 × 3 करा, फिर 5 कर दिया, फिर 158 × 3 करेंगे और 7 ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 481। अभी लिखा हुआ अब
आगे लिखा हुआ है DFH KMO RTB TWZ की कौन सा इसमें डिफरेंट, तो नंबर लिख लीजिए, D क्या होता है 4 होता है, F क्या होता है 6 होता है, H क्या होता है 8, ठीक है, K कितना होता है, K होता है 11, M कितना होता है आपका, M आप बोलेंगे सर 13 होता है, O कितना होता है 15 होता है, R कितना होता है 18, 20, UVW तो 22, T कितना हो गया आपका 20, W कितना हो गया 23 और Z कितना हो गया 26। तो मुझे बताइए इसमें दो, तो यही TWZ, इसमें तीन तीन का फर्क है, तो यही हमारा आंसर है। बोला है कि इफ द फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, कोई भी मंथ है जिसका फोर्थ डे सैटरडे है तो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो 11 बन जाएगा, 11 भी सैटरडे होगा, फिर 11 में 7 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 18 में 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, मतलब 25 भी सैटरडे होगा। बोला 26th ऑफ दिस मंथ, तो 26 में से 5 घटा देंगे कितना जाएगा 21, तो 21वें दिन बताना है क्या था, तो 18वें दिन शनिवार है हमारा, तो 18 दिन शनिवार है, शनिवार है मतलब 19वें दिन क्या होगा रविवार, 20वें दिन क्या होगा हमारा सोमवार, और 21वें दिन क्या होगा मंगलवार, तो ट्यूजडे इसका आंसर हो जाएगा। 53 सवाल पढ़ लीजिए, 53 सवाल में कुछ नहीं है, 53 सवाल आपको एक वीक के नाम दिए हैं, मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो बी ऑप्शन। Two Americans are going. One is father of the son of the other. मान लीजिए ये व्यक्ति है first और ये second. तो क्या बोला है कि second जो दूसरा है ना उसके बेटे का पिता है ये, तो मतलब ये दोनों कौन हो गए, ये husband wife है, मतलब D option. चलिए next सवाल पढ़ते हैं। Next सवाल है आपका how many natural numbers are there between 841 and 349? तो आप क्या करिए, जो 841 लिखा हुआ है ना और 3249 इनके पास का स्क्वायर देख लीजिए, इनके पास का स्क्वायर कौन सा है वो देख लीजिए, मुझे बताइए आप, ये 29 का स्क्वायर है और 57 का स्क्वायर है आपका, इन दोनों में कितना नंबर है माइनस करके निकाल सकते हैं, 56 बोल रहा है 20%, 20x प्लस वाई इक्वल टू 50x माइनस वाई, सॉल्व कर लेंगे और x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा आपका 7/3, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट में सम ऑफ फॉर 2 इयर्स 12.5, ठीक है, 57 कहता है कि 12 1/2% की रेट है, मतलब 1/8 है, तो मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया 64 मान लिया, तो पहले साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8 मिलेगा, सेकंड ईयर में क्या मिलेगा 8 मिलेगा, लेकिन 8 के ऊपर और इंटरेस्ट मिला तो 1 रुपया मिलेगा ना, तो कुल मिला के 17 रुपये इंटरेस्ट हो गया पूरा, कंपाउंड 17 हो गया ना, तो 340 जो है 17 की वैल्यू दे रखी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 है, तो कितना हो जाएगा 320 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, बोला था एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज 36 पाई, बहुत बढ़िया, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी 36 पाई दे रखी है, तो ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई आपकी, अब बोला इट हैज बीन डिवाइडेड बाय 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू विल बी गिवन, तो मुझे बताइए कि ये सर्कमफेरेंस का एक बड़ा छठा भाग है, तो 2πr/6 कर देंगे इसको, तो 2π × 6/6 तो आंसर कितना आ जाएगा 2π, नंबर सवाल क्या कह रहा है कि x/y + y/x = 2, रिटर्न ट्रायल से करेंगे, x का वैल्यू 1 डालिए y का वैल्यू 1 डालिए आंसर आ जाएगा आपका। 61 क्या कह रहा है आपका कि x रेशियो y दे रखा है आपको 1:2 और y रेशियो z दे रखा है आपको कितना 3:5, और हमसे बोला है कि 5x - 3y + z का आपको वैल्यू बताना है, तो मुझे बताइए x रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ जाएगा 1/1:2, 3:5 कितना आ जाएगा 3, 6 और 10 का आ जाएगा, अगर ये वैल्यू हम डाल देते हैं इक्वेशन के अंदर 5x - 3y + z के अंदर, तो कितना आ जाएगा -15 + 18 और जेड कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3 + 7, तो रेशियो के हिसाब से 7 की वैल्यू इन चारों में से कोई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन
187 से भाग जाएगा नहीं, 197 से भाग जाएगा नहीं, 200 जाएगा नहीं, 196 जो है 7 से भाग जाएगा, क्यों? 7 दूनी 14, 56, 7 8 56 तो 28, यही अपना उत्तर है इसका। ये होता है लॉजिक लगाना एग्जाम में। अब बोला है x माइनस टू फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इस सवाल को आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम, तो इसका कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 18 को डिवाइड कर देंगे हम x माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आगे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, यह आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस और प्लस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब यहाँ मैंने सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 12 एक्स आ जाएगा, ठीक है ये माइनस और ये प्लस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 और 3 गए तो कितने बचे 9 बचे और माइनस 18, अगर मैं प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9x माइनस 18 तो कट गया 0, तो ये जो आया ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसके फैक्टर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। ओके अब 63 बोल रहा है, 63 सेम सवाल है, 63 क्या कह रहा है, 63 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है तो 1 एंड 2 इसके रूट है, अब मैं बताऊँ 1 डालता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो पहली इक्वेशन बन गई पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 1, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब 2 डालूंगा तो 4 प्लस 2 पी प्लस क्यू आ जाएगा, 2 पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 4 आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करिए, पी और क्यू का मान निकालिए, पी और क्यू का मान जैसे ही निकाल देंगे इसमें पुट कर देना, ये क्या इक्वेशन रखी है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें आप जैसे पुट करेंगे तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं और उसके सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 69 सवाल क्या कह रहा है, 69 कह रहा है कि व्हाइल सेलिंग अ वॉच शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस मैंने 100 रुपये मान ली और उसने 5% डिस्काउंट मतलब कितने में बेची 95 में, लेकिन वो बोल रहा है 10% की छूट देता तो 10% छूट देता मतलब 10% की छूट देता मतलब क्या है कि वो 90 में बेच रहा है, तो मुझे बताइए क्या बोला सो 25 का उसको 25 रुपये कम प्रॉफिट होता, तो ये बोला तो इसका डिफरेंस 5% आया, 5% की वैल्यू 25 रुपये दे रखी है तो 1% की वैल्यू 5 रुपये आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 500 रुपये आ जाएगी। अब बोला है कि स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45 मार्क्स टू गेट एंड पास द क्वेश्चन, ओके उसके आए 50 नंबर, 4 नंबर से रहेंगे मतलब 54 नंबर आते तो पास हो जाता, तो 45% की वैल्यू 54 दे रखी है और हमसे पूछिए किसकी 100% की वैल्यू, 120 आंसर है इसका। आसान आसान सवाल आते हैं आप लोगों के। 71 क्या है, 10 वुमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 7 डेज, ठीक है 10 वुमेन है और 7 दिन में काम खत्म कर रही है, 10 चिल्ड्रन है और 14 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना आ जाएगा 2/1 आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज में वुमेन एंड चिल्ड्रन विल कंप्लीट द वर्क, मुझे बताइए एक काम निकाल लेते हैं अपन किसी का भी, ये काम आ गया टोटल वर्क और 5 वुमेन कर रहे हैं इसको कितने दिन में, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर कितना आ जाएगा 20 और 7 कितना हुआ 140 ये कितना हुआ 10 और 10 30 हो जाएगा 20 हो जाएगा 7 दिन आंसर आ जाएगा इसका। अब बोला द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 इयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, अब हस्बैंड वाइफ थे इन दोनों का एवरेज 23 था तो टोटल कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 5 साल बाद क्या हुआ इन दोनों मतलब 5 साल मतलब 28 प्लस 28 मतलब 56 के थे, 56 प्लस एक बच्चा पैदा हुआ 5 साल बाद तो इनका कितना हो गया 57 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 57 3 से करेंगे तो अपन कितना आएगा यहाँ पे 77 सवाल, 77 सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बताना है क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 13 दे रखा है तो इसका हम क्या
लिख सकते हैं आप ये बताइए। ठीक है, तो मुझे बताइए हिट एंड टेल कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 7 मान लेते हैं, वाई इक्वल टू 6 मान लेते हैं, तो 49 माइनस 36 कितना होता है? 13 होता है। अब प्लस कर लीजिए, 49 प्लस 36 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है डायगनल्स ऑफ द रोम्बस, ये रोम्बस है कोई हमारा, इसके डायगनल्स हैं। हमको पता है प्रॉपर्टी के डायगनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 12, ये 12, ये 16, तो ये 16, एक साइड पूछिए तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं। क्या बोला है? 79 पढ़िए, 79 कह रहा है। द हेमिस्फीयर एंड द कोन हैव इक्वल बेसिस इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल इन द रेशियो ऑफ द कर्व्स ऑफ इट्स विल बी। हेमिस्फीयर और कोन, हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² और कोन का कितना होता है? कोन का होता है कितना? πr l। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? डायग्राम तो ऐसे बनेगा, क्या है ये आपका कोन है और यही आपका हेमिस्फीयर है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों की जो हाइट है वही h है और वही r है, वही r है और ओके। तो मुझे बताइए ये कट गया, ये कट गया, अब बचा क्या? 2r और l बचा। अब l क्या होता है? l आप बोलेंगे सर होता है कितना? h² + r² होता है। अब सर स्क्वायर कर देते हैं तो 4r² h² + r² h² सर r ही तो है मेरा, तो सर यहाँ कितना हो जाएगा? 2r² और कितना हो जाएगा? 4r² हो जाएगा। ये रूट टू आ जाएगा यहाँ, ये r से r कट गया। ये आया इतना, अब इसको मैं अगर खोल दूँ तो इतना आ जाएगा h² + r² आ जाएगा। अब 4r² है तो h की जगह r लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2r², तो r से r कट गया, 2:1 आ गया ए ऑप्शन। 60 सवाल मेरे समझ में आया नहीं इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊँगा। 81 पढ़िए, क्या बोला है? x1 मीन, x1 प्लस h2 का मीन है, तो x1 प्लस h2 कितना हो गया? 15 हो गया। बोला x1 x2 x3 का मीन कितना? 8 है, तो x1 प्लस h2 प्लस x3 का सम कितना हो गया? 24 हो गया। क्या बोला? x3, तो माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, नो आंसर आ गया इसमें। 86 सवाल पढ़ लीजिए। 86 सवाल कह रहा है कि इफ द मीन एंड द मीडियन एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये आपके क्या हुए? प्राइम नंबर हो गए 10। अब प्राइम नंबर है तो मुझे बताइए इसका मीडियन क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हटाया, ये 3 यहाँ से हटा दिए, एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया, तो 11 + 13 / 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 24/2 कितना आ जाएगा? 12। तो मीडियन तो आ गया इनका, और मीन जो आएगा ना, मीन मतलब एवरेज होता है, तो एवरेज आप सम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मोड ऑफ द ऑप्शन बोला है तो 0, 1, 6, 7, तो आपको पता है मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो रिपीट कौन सा हो रहा है? 7 हो रहा है, साफ साफ देख रहा हूँ, 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। बोला है ना प्रोपोर्शनल ऑफ द वेरियस इन आइटम्स इन पाई डायग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली बात है जो हमारा पाई होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगल के प्रोपोर्शनल होता है ज़्यादातर, इसलिए एंगल ऑफ स्लाइस हो जाएगा। अब बोला द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 11 विल एग्जिस्ट 7। 3 और 11 का जो रिलेशन है ना वही 7 का रिलेशन कुछ बनना चाहिए, तो मुझे बताइए क्या है ये? 3 का स्क्वायर + 2 लिख सकते हैं इसको 11, तो 7 का स्क्वायर + 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। अभी दे रखा है 94 सवाल में क्या बोला है कि 41, आप देखिए ये कोई कोडिंग का सवाल नहीं है लेकिन ये लॉजिकल बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि भाई 4 और 1 कितना होता है? 5, 3, 2, 5। ठीक है, लिख दी। अब 4, 2, 6, 4, 3, 7 मतलब क्या है इसका लॉजिक कि पहले इसका सम आ रहा है फिर इसका सम आ रहा है, तो मतलब 7 और 6 इसका सम कितना है? 4, इसका सम कितना है? 8, तो कितना हो गया? 4 और 8 मतलब ये आएगा 4 और वो आएगा 6, तो 46, तो ये आंसर हो गया इसका।
अब बोला बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड हिज ब्रदर, ये कोई आदमी है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है एक वुमन की दैट हिज ब्रदर, इसका भाई, इज द ओनली सन ऑफ माय हिज ब्रदर्स फादर, मतलब इसके भाई के पापा, मतलब उसके ही पापा हुए, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, अब वो यहाँ पे है वो लड़की, उसके क्या हुए, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब ये इसकी पोती होगी ना, ये पोती होगी या फिर इसके दादा होगा, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए ना, सिस्टर होगी। 96 सवाल देखना पड़ेगा, 97 क्या दे रखा है, 28 25 31 22 x 34, तो मुझे बताइए ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 20 और 24 का एवरेज है 22, तो 24 और 32 का एवरेज x होगा और 32 और 36 का एवरेज 34 होगा, तो 24 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 और 3 2 5 डिवाइड बाय 2 28, तो 28 इसका आंसर है आपका। इन अ सर्टेन कोड टेबल लिखी हुई है, उसका कोड क्या दे रखा है, UCEPJ, आंसर बोला चेयर का कोड बता दो आप, टेबल का नंबर लिख लीजिए 20 1 2, एल कितना होता है 12, ए कितना होता है 5, यू कितना हो जाएगा 21 3 5 16 और 10, एक बढ़ाया 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया 4 बढ़ाया 5 बढ़ाया 3 8 1 9 और कितना 18, तो कितना हो जाएगा C के बाद 1 बढ़ाएंगे D, H के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना आएगा 10, 10 होता है किसका, J का, और ये रहा आपका आंसर DJDMW, सॉरी 99 सवाल क्या है, 8 फ्रेंड्स मीट अ पार्टी ईच वन ऑफ शेक्स हैंड विद ईच अदर, अब इसमें ना ये 8 फ्रेंड है 3 4 5 6 7 8, तो पहला व्यक्ति जो है 7 लोगों से हाथ मिला रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है ये वाला ये इनसे मिलाएगा क्योंकि इसने इससे तो मिला ही लिया है, ऐसे कितना हो जाएंगे 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, ठीक है ऐसे हो जाएंगे, तो मुझे बताइए कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 28 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 7 से मिलेगा मिलेगा ना, इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा इससे मिलाएगा, अब ये इससे तो मिला ही चुका है, ये इनसे मिलाएगा सबसे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, फिर ये मिलाएगा 5 जनों से क्योंकि ये बंदा इन दोनों से मिला चुका है तो इनसे नहीं मिलाएगा इसमें, तो 5 4 3 2 ये सही है, 28 आंसर है। ओके, तो आपने देखा कि ये सवाल जो है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे और इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे अप्रोच लगाई सॉल्व करने के लिए, ठीक है।